करें। देखो तो हाँ चलो, तो न्यूमेरिकल्स करते हैं मीटर ब्रिज पे। तो मीटर ब्रिज हमने क्या सीखा अभी, मीटर ब्रिज में ये देखा कि आपके पास एक नोन रेजिस्टेंस है R, एक अननोन रेजिस्टेंस है X। आप मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज को बैलेंस करते हैं। जब आप बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग लेंथ आती है L, और एक तरफ से L तो एक तरफ से 100 माइनस L। आप रेशियो लेते हैं R अपॉन X इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। इसके बेस पे पहला क्वेश्चन है, इस फिगर में एक मीटर ब्रिज गिवन है और ये ब्रिज बैलेंस्ड है। ब्रिज तो हमेशा बैलेंस्ड ही मिलेगा आपको। मीटर ब्रिज वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर सेंटीमीटर, कर लो इसे, करेक्शन कर लो इसे, ये 1 ओम पर सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ, ये जो वायर देख रहे हो मीटर ब्रिज की, 1 सेंटीमीटर की लेंथ कितनी है, 1 ओम है। तो टोटल लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 ओम हो जाएगी। ठीक है यहां तक? तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि अननोन रेजिस्टेंस एक्स हमने लगा दिया, एंड आपको क्या निकालना है इसमें, आपको इसमें एक्स निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ब्रिज बैलेंस्ड है, तो बोलो रेशियो क्या बनेगी, एक्स डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 60। तो एक्स तो आप इजीली निकाल ही लोगे, तो यहां से आप ये रेशियो ले, इस रेशियो में एक्स डिवाइडेड बाय 6 इज 40 बाय 60 से एक्स आ गया। तो एक पार्ट आ गया क्वेश्चन। अगर वो ये पूछ ले अगले पार्ट में कि आप बताओगे टोटल करंट कितना जा रहा है बैटरी में से, इसको चलाने के लिए टोटल करंट कितना निकला, तो टोटल करंट निकालने के लिए आपको इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी आई, 4 ओम। इसका करंट क्या है, 0। तो बीच वाली वायर को लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वीट फ्रॉम वीच तो बैलेंस्ड है। तो ऐसे केस में ये 4 और 6 किस में हो जाएंगे, इन सीरीज। और 100 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, 100 ओम। तो 100 और 10 किस में हो जाएंगे, इन पैरेलल। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, 10 और 100 किस में हो जाएंगे, इन पैरेलल। तो ये देखो 10 और 100 पैरेलल में आंसर आएगा 100/11। तो टोटल करंट में टोटल बैटरी कितनी है, 6 वोल्ट की, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 100/11। सॉल्व करके करंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो आइडिया समझ में आ रहा है कि इसको कैसे करना है क्वेश्चन को। जैसे अगला क्वेश्चन एक बार देखें, फिर से मीटर ब्रिज है, नल पॉइंट। नल पॉइंट क्या होता है, बैलेंसिंग लेंथ। तो नल पॉइंट जहां पर आया उसको बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये लेफ्ट, और जो लेंथ मेजर करते हैं ना वो हमेशा लेफ्ट से करते हैं, राइट से नहीं करते। तो ये लेंथ कितनी है, 60। तो ये लेंथ कितनी है, 40 60 40। क्लियर है? ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ये एस है। अब वो क्या कह रहा है, 5 ओम, जो 5 ओम है इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एस। तो नल पॉइंट कहां पर आता है, 50। इसमें ना दो केस हैं। पहला केस है कि जब आपने आर और एस कंसिडर किया तो ये वैल्यू कितनी आई, 40 सेंटीमीटर। तो ये कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ठीक हो गया? दूसरा केस है जब आपने एस के साथ सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगा दी, कितनी, 5 ओम की। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई इसमें, एस प्लस 5। तो बैलेंसिंग लेंथ यहां पर 40 की जगह कितनी हो गई, 50। तो ये भी कितनी है, 50। तो ऐसा करें, हम ना दो केस बनाते हैं। पहले जब मैंने 5 ओम को सीरीज में नहीं लगाया, सिर्फ यही केस है। जब ये केस है तो ये लेंथ कितनी है, 40, ये कितनी है, 60। तो बोलो रेशियो क्या लगाएंगे, आर अपॉन एस इज इक्वल टू कितना, 40 डिवाइडेड बाय 60। तो पहली रेशियो क्लियर है, 60। अच्छा 60 की बने, ओके उल्टा, तो आर अपॉन एस इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 40। क्लियर है यहां तक? फिर दूसरा केस, जब एस के साथ हमने सीरीज में 5 ओम लगा दिया, तो अब रेशियो क्या बनेगी, आर डिवाइडेड बाय एस प्लस 5। तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई,
50, तो इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 50। तो स्टेप क्लियर है? तो एक बार 5 ओम नहीं है, एक बार 5 ओम है। जब 5 ओम नहीं है तो 60, जब 5 ओम है तो 50। तो ये आपके पास रेशियो आ गई। इनको डिवाइड कर दें, जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे दो इक्वेशन को, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसल। सॉल्व करके क्या आ जाएगा, एस। एस आ गया, ऊपर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो समझ में आ रहा है रेशियो कैसे लेनी है इसमें? ठीक। जैसे ये क्वेश्चन है, देखें एक बार ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करें। मिलता जुलता क्वेश्चन है। कैसे? इसमें ये गिवन है, इन अ मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ठीक है, दिख रहा है? तो ये कितना है 40, ये कितना है 60। तो इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल, पिछले क्वेश्चन में एस के साथ रेजिस्टेंस किस में लगाई थी, सीरीज में, इसमें क्या लगा दी, पैरेलल में। तो नल पॉइंट कहां पर आ गया, एट 50। तो फिर आंसर निकालो, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो पहले हमने 12 ओम की नहीं लगाई, तो रेशियो क्या होगी, आर डिवाइडेड बाय एस इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 60। क्लियर है यहां तक? फिर हमने एस के साथ 12 पैरेलल में लगा दिया, तो रेशियो क्या बनेगी, आर डिवाइडेड बाय 12s बाय 12 प्लस s, तो रेशियो क्या है 50 बाय 50। तो दो केस आ गए। फिर से एक बार इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लें, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसल। कैंसल करके सॉल्व करके एस आ जाएगा, एस को कहीं भी ऊपर पुट कर दें आर आ जाएगा। तो एक बार हमने क्या किया, सेम क्वेश्चन सीरीज में, और दूसरी बार किसमें किया, इन पैरेलल में। ठीक है यहां तक? तो रेशियो लेनी है, इसमें कुछ भी नहीं करना, जैसे बोलता जा रहा है वैसे हम रेशियो लेते जा रहे हैं और आंसर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखें, तो इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द गैप्स इन अ मीटर ब्रिज। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो कह रहा है 2 ओम की रेजिस्टेंस को किसी गैप में हमने लगा दिया, विच यूजेस अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो पता है ये टोटल लेंथ कितनी है, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर है। एन अननोन रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 ओम इज कनेक्टेड इन अदर गैप एज शोन इन द फिगर। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर मैंने एक और रेजिस्टेंस लगा दी जिसकी वैल्यू 2 ओम से ज़्यादा लगा दी, कोई बात नहीं, इससे मुझे कम से कम ये तो पता लगा कि ये दोनों अनइक्वल रेजिस्टेंसेज हैं, तो बैलेंसिंग लेंथ कम से कम 50 सेंटीमीटर तो नहीं आ सकता, एक बड़ी है और एक छोटी है तो अनइक्वल लेंथ आएगी। ठीक। तो इस क्वेश्चन के अंदर आगे तो वो क्या कह रहा है इसमें, जब मैंने एक्स को लगाया तो बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पर आई, एल फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, तो इस प्लस से ये लेंथ कितनी आई, एल आई। तो दूसरी लेंथ क्या आएगी, 100 माइनस एल आएगी। ठीक है यहां तक? अब वो क्या कह रहे हैं कि ऑन इंटरचेंजिंग आर एंड एक्स, मैंने आर की जगह एक्स कर दिया, एक्स की जगह आर कर दिया, मैंने इनको उल्टा कर दिया। उल्टा करने से क्या हुआ, बैलेंसिंग पॉइंट फर्दर शिफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। मतलब पहले बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी, एल, फर्दर फार अवे चली गई, दूर चली गई कितने सेंटीमीटर, 20। तो नई लेंथ क्या होगी, एल प्लस 20। ठीक है, तो बैलेंसिंग लेंथ पहले केस में आर और एक्स के केस में एल, और जब उल्टा कर दिया आर और एक्स को तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, एल प्लस 20। तो दो केस बना लें पहले। तो पहला केस, केस नंबर 1, आर बाय एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, और दूसरा केस जब उल्टा कर दिया
एक्स आ गया इधर, आर चला गया इधर, तो एक्स डिवाइडेड बाई आर, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, एल प्लस 20, तो दूसरी लेंथ क्या हो जाएगी, 100 में से एल प्लस 20 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो अगर एक लेंथ एल प्लस 20 है तो दूसरी लेंथ क्या होगी, 100 माइनस एल प्लस 20, तो सॉल्व करके ये रेशियो आ गई। तो ये आपके पास आर बाई एक्स आ गया, ये आपके पास एक्स बाई आर आ गया। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लें तो आर बाई एक्स इंटू एक्स बाई आर, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 1, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, एल। एल निकाल लेना, ये जो एल आएगा इसको आप कहीं भी पुट कर लें, मान लो यहाँ पे पुट कर लें एल, तो जब यहाँ एल पुट करेंगे तो ये टर्म, या यहाँ पुट कर लें, चलो एल की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये टर्म आएगी, और आर क्वेश्चन में गिवन है कितने, 2 ओम, आर तो पहले ही पता था 2 ओम है, क्वेश्चन में गिवन है आर, जो क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, तो नॉन रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओम, अननोन रेजिस्टेंस कितनी है एक्स। तो क्या ये स्टेप क्लियर है कि आर को पुट करके आपके पास, क्योंकि एल तो आ ही गया, आप यहां पर एल को पुट करके आर को पुट करके क्या निकाल सकते हैं, एक्स, और उसने पहले ही बोला था एक्स इज ग्रेटर देन 2 ओम, तो आना ही था 2 ओम से बड़ा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, तो जैसे उसने दो केस बोले हमने वैसे ही लिया, आर और एक्स, एक्स और आर, कोई डाउट इसमें, ठीक। जैसे इन अ गिवन मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज एट 60, तो इसका मतलब ये जो लेंथ है ये कितनी है 60, तो ये कितनी है 40, तो x और y गिवन है, तो x और y पोजीशन की बैलेंसिंग लेंथ 60 गिवन है। व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद y, अब दूसरा केस है y के साथ सीरीज में कितने ओम लगा दिया, 15 ओम, बैलेंसिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी शिफ्टेड बाय 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स a, पहले बैलेंसिंग लेंथ कितनी है ये 60, अब अगर ये ए की तरफ चला गया बाय 10 तो नई बैलेंसिंग लेंथ कितनी आएगी 50, 60 तो पहली थी, ये 10 अंदर और चला गया जबकि 10 इधर चलेगी टुवर्ड्स ए, तो बचा कितना 50, तो पहले केस में बैलेंसिंग लेंथ 60 है, दूसरे केस में बैलेंसिंग लेंथ 50 है, बाकी तो पता ही है आपको क्या करना है। तो पहला केस है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई में बैलेंसिंग लेंथ 60/40, तो एक्स बाय वाई की रेशियो आ गई। दूसरे केस में वाई के साथ सीरीज में लगाना है 5, तो x डिवाइडेड बाय y प्लस 5, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी सेकेंड केस में 50, तो ये दो इक्वेशंस आ गई। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y कैन बी कैलकुलेटेड, क्लियर है यहाँ तक, तो x और y आ गया। अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट, तीसरा केस, ये तो दो केस पढ़े मैंने, असली क्वेश्चन है अब आप नल पॉइंट निकाल लें, बैलेंसिंग लेंथ निकाल लें, कब, जब रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद y, अब तीसरा केस है, पहले केस में अकेला x और y है, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी 60/40, फिर दूसरे केस में हमने इसके साथ सीरीज में लगा दिया y के साथ, कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में लगाई तो बैलेंसिंग पॉइंट आ गया 50/50, इससे हमने x और y निकाल लिया। अब वो कहते हैं कि मान लो y के साथ अगर मैं पैरेलल में क्या लगाता हूं 30, तो बोलो नई बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, तो कोई बात नहीं, अब ये x है, जब y के साथ पैरेलल में लगाएंगे तो क्या आएगा, y into 30/y+30, ये देखो, तो क्या आएगा, मेरे पास रेशियो आएगी x, हाँ, तो मेरे पास क्या आएगा, y के साथ जब 30 पैरेलल में लगेगा तो y वाले पोर्शन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, 30 into y/30+y, लेकिन y तो हम ऑलरेडी दो पार्ट से निकाल ही चुके हैं 30, तो क्या आएगा 30 into 30/30+30 क्या आएगा 15, तो एक तरफ x हो गया और x की वैल्यू भी हमें मालूम है कितनी 45, तो अब क्या हो गया x, और एक तरफ y का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया 15, x 15, बैलेंसिंग लेंथ l 100 - l, अब x तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कितना 45, सॉल्व करके बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेना 75 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो कुल मिला के इसमें 3 केस हो गए, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं करना, जैसे बोलता जा रहा है कि x ले लो y ले लो इंटरचेंज कर लो रेशियो बस करते जाओ, p by q is r by x आंसर आता जाएगा, ठीक। जैसे क्वेश्चन है when two नॉन resistances r and s, तो ये r और s नॉन resistances हैं, आर कनेक्टेड इन लेफ्ट एंड राइट गैप, लेफ्ट और राइट gaps ऑफ मीटर ब्रिज, the balance point is found at a distance of L1 from zero end ये होता है, तो balancing point कितनी है L1 है, तो अगर ये L1 है ये 100 - L1 है, तो पहली रेशियो क्या बनेगी,
आर बाई एस इज एल वन बाई 100 माइनस एल वन, पहला केस क्लियर है। फिर केस नंबर टू में कह रहा है कि अननोन रेजिस्टेंस एक्स पैरेलल में लगा दी रेजिस्टेंस एस के साथ, पैरेलल में लगा दी, तो बैलेंसिंग पॉइंट चेंज हो गया, कितना हो गया एल टू, तो नई रेशियो बोलो क्या होगी, आर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एस बाई एक्स प्लस एस इज इक्वल टू कितना, एल टू डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल टू। तो कह रहे हैं एक्स निकालो क्या होगा इन दोनों इक्वेशन से, तो आप ये दो इक्वेशन हैं इन्हें डिवाइड कर लें, जब डिवाइड करेंगे तो आर से आर क्या हो जाएगा कैंसल, आपको सिंप्लीफाई करके एक्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ एस एल वन एंड एल टू, दिस इज दी आंसर। सिंप्लीफाई कर लेना, जिस मर्जी फॉर्म में निकाल लेना वो कोई टेंशन नहीं है, पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि करना कैसे है इसमें। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। आसान क्वेश्चन है तो मैं ठीक ही बोल रहा था ना, अपने सेट में आ जाओ तो अच्छी बात है, कईयों तो किस्मत में मेंस के अंदर आ जाता है, नीट मेन में तो काफ़ी बार आ रखा है, एनसीईआरटी में बहुत आता है। ठीक है, तो कुछ आसान क्वेश्चन भी डालने हैं। ठीक, टाइम क्या हो गए, घड़ी खराब होगी। ठीक है, सब्जेक्टिव शीट नंबर 14, सब्जेक्टिव शीट नंबर 14 में ना आपके पास ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आप प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार रीड करें, क्या है क्वेश्चन एक बार देखें। देखो इस क्वेश्चन में 4 रेजिस्टेंसेज हैं, सब्जेक्टिव शीट नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 6, 4 रेजिस्टेंसेज हैं 15, 12, 4 एंड 10 आर कनेक्टेड इन साइक्लिक ऑर्डर। ज़्यादातर लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो जाती है तो वह ऐसे बनाते हैं 15, 12, 4, 10, हैबिट हो जाती है ना, 15 ए पी क्यू आर एस नहीं, उसने कहा साइकिल, तो साइकिल कैसे बनेगा 15, 12, 4 और 10 ऐसे बनेगा। तो ये डायग्राम है, वो कह रहे क्या ये ब्रिज बैलेंस्ड है, रेशियो लो 15 बाई 12, 10 बाई 4 नहीं ये बैलेंस नहीं है, रेशियो बराबर नहीं आई तो ये बैलेंस नहीं है। तो अगला पार्ट है कि बताओ इस 10 के साथ पैरेलल में मैं कितने ओम की रेजिस्टेंस लगाऊं, मान लो एक्स ओम की रेजिस्टेंस लगाऊं ताकि ब्रिज क्या हो जाए बैलेंस्ड हो जाए। तो x लगाने के बाद अगर ये बैलेंस हो जाता है तो रेशियो क्या बनेगी 15 बाई 12 इज 10 इंटू एक्स बाई 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 4, सॉल्व करके x निकाल लेना। तो मेथड क्लियर है यहाँ तक, पहले ये बैलेंस नहीं था फिर ये बैलेंस मान लिया गया, जब ये बैलेंस नहीं था तो देख ही रहा था, जब बैलेंस उसने बोला बैलेंस कर लो x लगाने के बाद तो मैंने ऊपर और नीचे की रेशियो क्या ले ली, सेम मेरा आंसर आ गया। ठीक है यहाँ तक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में 4 रेजिस्टेंसेस 5, 6, 50, 60 व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने लगा दिया और बैटरी कितने वोल्ट की है 1.5 वोल्ट की है एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस में है ही नहीं, फाइंड द करंट इन द आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ऊपर आर्म्स में नीचे आर्म में क्या होगा करंट ये बताओ। अब ये देखना पड़ेगा क्या ये ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं है, करो चेक 5/6 इज इक्वल टू 50/60, हाँ ये ब्रिज बैलेंस्ड है, पहले तो रेशियो बराबर आ रही है 5/6 5/6। ठीक, अब कई बार ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है, क्या कॉमन मिस्टेक है, रेशियो ऐसे ली जाती है 50/5 60/6 नहीं ऐसे नहीं लेनी,
जहाँ ये करंट एंटर कर रहे हैं वहाँ से नहीं लेनी, यहाँ से लेनी है ध्यान से। तो पॉइंट्स, और नॉर्मली क्वेश्चन गड़बड़ तो कब होता है, जब ये डायग्राम को ऐसे उल्टा घुमा देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको ये वाला पोर्शन ऊपर दिखेगा ऐसे ऐसे 50 और 5, फिर आप याद कि 50/5 करना शुरू कर देंगे, नहीं मतलब ये डायग्राम ऐसा हो जाएगा, जैसे सपोज ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 5, ठीक है, 55 गैल्वेनोमीटर ऐसे हो जाएगा देखो, राइट ऐसे। फिर आप कई बार स्टूडेंट ये दोनों ये देखो दिस बाय दिस, ऐसे कैसे दिस बाय दिस हो जाएगा, नहीं करेंगे ऐसे, गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा हुआ है तो दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, ये ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर वो डायग्राम को घुमा देता है, ठीक। तो ध्यान प्रैक्टिस हो जाएगा, होमवर्क दूंगा तो भी ठीक हो जाएगा जब प्रैक्टिस करोगे। तो उसके बाद क्या करना है इसमें, अब क्योंकि गैल्वेनोमीटर में रीडिंग तो है नहीं कुछ, क्योंकि तो जो बैलेंस्ड है, तो ये दोनों किसमें इन सीरीज 11, ये दोनों किसमें इन सीरीज 110, ये दोनों इन पैरेलल, पैरेलल के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ रही है 10, तो करंट क्या आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 10, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 1.5 बाय 10। अब आपको ऊपर नीचे करंट निकालना है, ऊपर 5 और 6 किसमें है सीरीज में 11, और नीचे 110 में। अब यहाँ से करंट कितना आया 1.5 बाय 10, अब वो करंट जो आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऊपर नीचे, जो करंट की डिस्ट्रीब्यूशन की रेशियो होती है पैरेलल में, क्या सिखाई थी, I1 बाय I2 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस का उल्टा 110 बाय 11, तो यहाँ से क्या आ गई रेशियो, तो आप 10:1 में इस करंट को क्या कर लेंगे डिवाइड करेंगे, तो दोनों ब्रांचेस में करंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो आइडिया क्लियर है कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को भी, कोई डाउट इसमें, मैं होमवर्क दूंगा एज अ शीट, तो आप उसमें करके देखना, ऑब्जेक्टिव शीट्स में से कई क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें ट्राई करके देखना। मेंस में पर इस हफ्ते मेंस जो हुआ उसमें ये क्वेश्चन डाल दिया, मेंस का क्वेश्चन है ये, तो एनसीईआरटी का सिंपल प्रॉब्लम है, क्या करना था कुछ भी नहीं, ये क्वेश्चन है कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो बी और एफ की। अब जिसने तो कर नहीं रखा तो वो तो नहीं कर पाएगा, जिसने कर रखा है वो कहेगा इससे आसान कुछ नहीं है, वो कैसे, इसका एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, ये ना वायर्स पड़ी हुई हैं टेबल पे, टेबल के ऊपर पूरा टॉप डायग्राम है, टॉप व्यू दिखा रहे हैं हमें इसका, ठीक है, वायर्स हैं। आप एक काम करें, इसको ऐसे ही रहने दें, इस ए को उठाएं, इसको ऐसे रख दें, ये पूरा ट्राइंगल ऐसे पलट दें, ऐसे क्या फर्क पड़ता है, इसको उठा के यहाँ रख दें, तो देखो ये डायग्राम बन गया, 4 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, ये देखो इन तीनों को नहीं छेड़ना, ना इसको ना इसको ना इसको, इसको ऐसे घुमा दें, ये डायग्राम बन गया, चेक करो क्या ये पॉइंट क्लियर है, इसको ये टेबल से चिपका दें, छेड़ना नहीं है ऐसे, इसको नहीं टच करना, ठीक है। आपने क्या करना है, ये बी वाली वायर को उठा के यहाँ पे ले आए, बी इसको हटा दें, या टेबल पे तार पड़ी है, इसको ऐसे ही तो करना है, या ऐसे करना है, बस कर दिया, वायर को ऐसे घुमा दिया, तो ये लो बी आ गया। उसी तरीके से ये ए है, ए को उठाएं यहाँ ले आए ए को, और ये साथ के साथ हिल जाएगा, ये देखो 4 एंड 4, वो देखो डायग्राम बन गया। अब ये जैसे ही डायग्राम बना, ये देखो ये मान लो गैल्वेनोमीटर की वायर है, जैसे 4 बाय 4 इज 4 बाय 4, तो क्या बन गया बैलेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज, बीच वाली वायर उड़ गई, तो 4 और 4 सीरीज में, 4 और 4 सीरीज में आपस में, बस यही ट्रिक था इसमें, इसको खोल दिया और व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स, ये निकालना है मुझे, ताकि कोई भी करंट, नो करंट फ्लो थ्रू सेक्शन एओ, एओ में से कोई करंट नहीं है, राइट, एओ में से कोई करंट नहीं है, जब एओ में से कोई करंट नहीं है तो इसका मतलब कि ये और ये सेम पोटेंशियल पे हैं, तो देखो इसका मतलब 2 बाय 4 इज 3 बाय x, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करेगा, अगर इसमें कोई करंट नहीं जा रहा इसका मतलब ये बैलेंस्ड है, इसका मतलब 2 डिवाइडेड बाय 4 इज 3 डिवाइडेड बाय x, तो यहाँ से x कैन बी कैलकुलेटेड। आपको एक बार x पता लग गया, अब क्योंकि इस वायर में कोई करंट तो है ही नहीं, तो आप इस वायर को हटा लें, तो ये दोनों किसमें इन सीरीज, ये दोनों किसमें इन सीरीज, और आपस में किसमें इन पैरेलल, जो आंसर आएगा 2.4 के साथ इन सीरीज, वहां से करंट कैन बी कैलकुलेटेड, फिर टोटल करंट तो आ ही जाएगा जब टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो ये भी आइडिया क्लियर है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम कैसे आ रही है समझ में आ रहे हैं यहां तक,
ठीक, तो इसमें भी क्लियर है बिल्कुल कि आपको निकालना है x की वैल्यू क्या होगी जब नो करंट फ्लो थ्रू 5 ओम, 5 ओम में करंट ही नहीं है, इसका मतलब ये भी एक बैलेंस वी स्टोन ब्रिज, तो x अपॉन 18 इज 2/6, ठीक है यहाँ तक, ओके, ये होमवर्क है, ये सब आपके होमवर्क